अब कौन आ गया भाई साहब? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने टाइप का? सैंडविच बना दिया जाएगा, आलू की टिकिया के को बीच में रखेंगे, दोनों तरफ रहेगी क्या? ब्रेड। एक टाइप की ब्रेड, एक टाइप की रहती है और दो टाइप की थोड़ी रहती है। क्या ऐसे थे आधे ऊपर की तरफ बन लगा दिया, नीचे की तरफ ब्रेड लगा दी? भाई साहब यार ये तो सैंडविच नॉट गुड है, बर्गर कम सैंडविच। तो सैंडविच बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भैया ये मान लो आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, एक दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और इसके बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन ऑपोजिट टाइप ऑफ टू सेमीकंडक्टर्स, देन वॉट एवर यू आर हैविंग इज अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें जो है कितने टर्मिनल मिलते हैं भाई जी? हाँ जी, और कितने जंक्शन मिलते हैं? तो आप कहोगे देखो एक पीएन जंक्शन यहां मिलेगा, एक पीएन जंक्शन यहां मिलेगा, नहीं मिल रहा? कितने जंक्शन है और कितने टर्मिनल हैं? तो थ्री टर्मिनल टू जंक्शन डिवाइस है ये। अभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तीन टर्मिनल तीन जंक्शन, दो टर्मिनल तीन जंक्शन, ऐसे तो समझ जाना कि गलत नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा अब ये दो तरह का हो सकता है, एक एनपीएन हो सकता है और एक गजब यार तुमको कैसे पता लग गया इतनी जल्दी? टैलेंट है आपका, हिडन टैलेंट। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है। इसमें कितने जंक्शन होते हैं जी? दो जंक्शन और कितने टर्मिनल? तीन टर्मिनल होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, इसके तीन भाग होते हैं। किसके? ट्रांजिस्टर के, किसके के? इसी के। किसके तीन पार्ट होते हैं? ठीक है, तीन पार्ट दिख रहे होंगे, एक दो तीन दिख रहे होंगे आप? बढ़िया जी बात। अब देखिए दो तरह के बताए मैंने, एक तो बताया था एनपीएन और दूसरा बताया था पीएनपी। ठीक है, अभी इसमें जो सबसे बड़ा साइज है उस पर क्या लिखा हुआ है? ई बी या सी में से क्या लिखा हुआ है? दिख गया आपको सी? तो लार्जेस्ट जो साइज जिसका सबसे ज्यादा रखा जाएगा उसको कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं भाइयों? कलेक्टर। और जो बीच में बेचारा जो बसा हुआ है उसका नाम क्या है? बेस। और ये कौन है जी? एमिटर, इंस्पेक्टर। ई से इंस्पेक्टर कहां से आ रही है? ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से देखते रहना। ये हो गया जो, अभी देख लो सबसे बड़े साइज का कौन है? कलेक्टर। कलेक्ट करेगा सब, सबसे बड़े साइज का होगा। इमिटर जो होगा मॉडरेट साइज का होगा, और स्मॉलेस्ट साइज का कौन होगा? बेस होगा। ये मेरे हाथ के बनाए हुए डायग्राम है। ठीक है, तो अभी इसको आप लिखोगे कलेक्टर। ये कौन है? कलेक्टर। ये कौन है? इमिटर। और ये कौन है? और इसका सबसे ज्यादा साइज किसका है? और मॉडरेट साइज और मिनिमम साइज? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए क्या होगा कि आपको ऐसे सिंबल मिल जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना आप। इसमें जब ऐसे सर्कल बना होगा एक एरो लगा होता है, क्या लगा होगा? एरो लगा होगा। यहां पर ई, यहां पर सी और यहां पर बी नहीं लिखा होगा। बी तो आप आसानी से पहचान लोगे, आप कहोगे ये बी तो दिख जाता है यार साफ साफ, दिख रहा है बेस? बेस तो आपको ये जो मोटी पट्टी दिखी है उससे जुड़ा हुआ, ये बेस साफ साफ दिख जाएगा। जिस पर एरो लगा होगा वो टर्मिनल हमेशा बनेगा एमिटर। कौन सा बनेगा? एमिटर। तो तीसरा बचा हुआ अपने आप कलेक्टर हो गया। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जिस पर एरो लगा वो कौन हो गया? ये तो बेस दिख ही जाएगा, ये कौन हो गया? कलेक्टर हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अच्छा आप इसमें कई बार पूछेगा बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो करंट पी से एन की तरफ दिखाते हैं, इसका नाम लिखेंगे पी, इसका नाम लिखेंगे एन, तो ये अपने आप हो गया एन। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर दिख जाएगा। समझ पा रहे बात को कि नहीं? उसने मान लो आपको ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसने कहा भैया जी ऐसा करिए आप इसमें जो है जरा बताइए कौन सा इमिटर है, ये कौन है? बेस है। ये कौन है? ये कौन है? एमिटर है। अब उसने कहा ये बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी? मैंने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, एन ये पी गया तो अपने आप यहाँ पर पी आ जाएगा। अरे उल्टा कर दिए क्या, पी से एन की तरफ? बहुत शाबाश। तो ये कौन सा बन गया?
एनपीएन एनपीएन कुछ भी बोलो, समझ गया बात को? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख के समझ जाओगे कौन सा ट्रांजिस्टर है। घबराने की कोई बात, इतना कर लेंगे आप। सबसे बड़े साइज का कौन सा पार्ट? कलेक्टर। सबसे लार्जेस्ट साइज का होता है। और सबसे छोटू बेस, वो बेचारा गरीब आदमी बेस। और सबसे बीच वाला सबसे बीच के साइज का मॉडरेट साइज इज इमीटर। चलिए आप ध्यान से देखिएगा एक बड़ी खास बात, इमीटर इज द सोर्स ऑफ बेसिकली करंट कैरियर्स। ये सबका बाप है, इमीटर है ये, यही देगा सबको जो देगा। ठीक है, तो अभी इसकी जब डोपिंग करते हैं इमीटर की, तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? इमीटर की डोपिंग, हाईएस्ट डोपिंग होगी, क्योंकि यही बेसिकली करंट सप्लायर है, कैरियर सप्लायर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा बन गए अभी यहां पर, जैसे ये सबसे ज्यादा करंट कैरियर इधर आएंगे, समझ गए बात को? अब ये कहलाता है तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा हो गया इमीटर, ये तुम्हारा हो गया कलेक्टर। ठीक है, बेस को आप रखते हो लाइटली डोप, बहुत कम डोपिंग करते हो बेस की। और कलेक्टर की डोपिंग कैसी होती है? अब देखो होता क्या है, जो इसका जो असली काम है ना, वो क्या है कि यहाँ इसमें जो गेम है, गेम ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गए, ज्यादा कहा है इधर, आप कुछ लगाओगे, बायसिंग करोगे आप। अरे बायसिंग करोगे, मान लो आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर भागेंगे इधर। अब होता क्या है कि यहां से मेजोरिटी कैरियर भागे, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट आएगी, उस करंट को हम कहेंगे आईई। क्या कहेंगे उसको? अब क्या होगा कि ये करंट उल्टी होती है इलेक्ट्रॉनों के मोशन की, ये ध्यान रखना है ना। तो अभी मान लो यहां से मेजोरिटी कैरियर यहां गए, अब ये जमाजम, क्योंकि हाईली डोप्ड है, ये कौन है? इमीटर है। साइज भले से इसका छोटा है, लेकिन ये डोपिंग इसकी कैसी है? हाईली डोप्ड है, मैक्सिमम डोपिंग हो रखी इसकी। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे, इस बैरियर को पार करेंगे, अगर आपने इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है तो। किस जंक्शन की? ये एनपी जंक्शन है ना। अरे ये जंक्शन नहीं दिख रहा है, एन और पी के बीच में ये वाला एक जंक्शन यहां बनेगा, एक डिप्लीशन लेयर यहां बनेगी। अब हमने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन भागे, अब यहां पर होल्स हैं, लेकिन ये बहुत लाइटली डोप्ड है, या तो यहां होलों की संख्या होगी बहुत कम। यहां से इलेक्ट्रॉन गए काय के लिए थे? कि वहां होल से मिलेंगे भाई अपना। वहां गए, वो होल मिले ही नहीं, इक्का दुक्का को मिले, बाकी तो सब 100-150 पहुंच गए, 5-6 पड़े थे वहां पर होल। वो मोमेंटम के साथ यहां से चलते चलते गए, इधर घुस गए। नहीं समझे बात? यहां से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो यहां से इस बैरियर को पार करके इधर निकलेंगे, वो आए तो पी में थे, विश्वास तो उनका ये था कि चलो पी में चल रहे हैं भाई, चलो चलो चलो। जब पी निकला पतला, और पतले के साथ साथ क्या हुआ, पी में होल्स भी बहुत कम थे, तो उनका रिकॉम्बिनेशन यहां हो ही नहीं पाया। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग फ्रॉम इमीटर पार्ट, ये कहां घुस जाएंगे? ये तो बायसिंग तो यहां करोगे बैटरी लगा के, अभी कर देंगे। अभी मैं जो बेसिक बात है उसको समझना है ना, जो भी करंट यहां इलेक्ट्रो कैरियर यहां से चले, वो यहां घुसे, यहां पर उनका रिकॉम्बिनेशन ना हो पाया, जिस वजह से वो क्या निकल जाएंगे सीधे। हाँ, तो अभी इमीटर की वजह से जो करंट आएगी, इमीटर से जो करंट कैरियर गए, उसमें से कुछ तो यहां रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो वो बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द पार्ट इधर चला गया, वो कलेक्टर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो आईई की वैल्यू आती है लगभग एग्जैक्टली इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। ये टर्म जो है बहुत कम, छोटा छोटू सा होता है, ये लगभग 5% होता है, और ये 95% ऑफ एमिटर करंट होता है। ये कितना होता है? और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखी, आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, हर ट्रांजिस्टर में लगेगी। कौन सी क्वेश्चन लिखी? समझ रहे हो बात को? चलो बात को आगे बढ़ाएं, ये वाली बातें पूछी जाती हैं, याद रखेंगे आप। हाँ बोलिए। बायसिंग करेंगे ना, बैटरी लगाएंगे, तभी तो यहाँ पर करंट फ्लो कर चलेगी। किधर बेटा? अब ये एन है, इसको मैंने एन से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये यहां से नेगेटिव चार्ज ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगी। तो यहां से जो करंट चलेगी आपकी इधर की तरफ, इसका नाम रखोगे आप आईई। अरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे तो करंट इधर जा रही। यहां से जो कर ये आईई, यहां से जो करंट चलेगी, अब इलेक्ट्रॉन, हाँ ये आईई आपकी इधर गई, तो इधर से घुसेगी आईबी, और यहां से फिर से आप बायसिंग करोगे, तो इधर से जो करंट दिखाई देगी वो मिलेगी आईसी। अरे करंट इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट दिखा दो यार, ऐसे कह रहे हो ना, धोना मचाया।
लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि आई ई इज ऑलवेज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, दिस पार्ट इज ऑलवेज वेरी 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 स्मॉल। इतनी बात याद रहेगी। कलेक्टर का साइज लार्जेस्ट, डोपिंग मॉडरेट 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 मॉडरेट, बस। अब बेस का तो गरीब आदमी है, उसके पास एवरी थिंग में गरीब है वो, है ना। एमिटर का साइज भले से मॉडरेट है लेकिन वो हाईएस्ट डोपिंग वाला है, बहुत ही बढ़िया। चलो भाइयों, ये आपको दिखा दिया गया है। अब देखो क्या है कि बायसिंग की बात कर रहे थे ना आप, जैसे तो अभी देखो ये है आपका एमिटर और ये है आपका बेस और ये है आपका कलेक्टर। तो एक जंक्शन तो आपको क्या मिला, बेस एमिटर, बेस और एमिटर के बीच दिख रहा है, और एक जंक्शन आपको क्या मिला, कलेक्टर और बेस के बीच। ये बहुत क्लियर सी बात है। तो अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में रख सकते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में रख सकते हैं, दोनों को फॉरवर्ड बायस में रख सकते हैं, इसको रिवर्स बायस, इसको भी रिवर्स बायस, उल्टा कर ले, और फिर एक को फॉरवर्ड बायस, दूसरे को रिवर्स बायस, नहीं कर सकते। अरे भाई यहां पर अगर आप, हाँ नहीं, चौथी पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, ठीक है। चौथी की अपन को जरूरत नहीं, अपन को एक की जरूरत है इसमें से, अपने सिलेबस में एक है, नहीं ये एम्पलीफायर वाला बस, ठीक है। बाकी पढ़ने को पढ़ लेते हैं, लेकिन इनवर्स एक्टिव कहते हैं उसको, समझ गए। जैसे इसको रिवर्स बायस कर दो और इसको ये इसको फॉरवर्ड बायस कर दो, ये इनवर्स एक्टिव कहलाता है। हाँ इसके अपन को कोई जरूरत ना है, अपने काम का ये है, मात्र मेनली अपने काम का ये, ठीक है। तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करोगे तो अभी इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसको भी फॉरवर्ड बायस किया, तो ये कहलाती है सैचुरेशन स्टेट। और इस समय जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, क्लोज्ड स्विच की तरह। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ज्यादा समझने के बाद फिर थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। इसको रिवर्स बायस रखा, इसको भी रिवर्स बायस रखा, ये कहलाता है कट ऑफ स्टेट। इसको कहते हैं ओपन स्विच, ओपन स्विच का मतलब कट ऑफ, दोनों को रिवर्स में कर दिया, करंट गया कि कहा भाई यार, कहा तुम लोग गरीबी फैला रखे हो एकदम, समझ गए, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। दोनों को रिवर्स में कर दिया, करंट गया कि दोनों रिवर्स में कहा करंट बहती है, दोनों ही रिवर्स में तो कहा का करंट फरंट है ना, दोनों फॉरवर्ड में रखे तो क्लोज स्विच, क्लोज स्विच सैचुरेशन स्टेट, ये याद रखनी पड़ी। फॉरवर्ड में दोनों रखे तो, अरे ये एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, अगर इन दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस में रखा तो इस स्टेट में जब आप एम्पलीफायर को ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे होगे तो उसे हम कहते हैं कौन सी स्टेट में है, क्लोज स्विच सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। दोनों को रिवर्स में रखा कट ऑफ, ओपन स्विच, दो एक को फॉरवर्ड में रखा रिवर्स में रखा, इसको फॉरवर्ड में रखा इसको रिवर्स में रखा, एक्टिव मोड कहलाएगा ये, एम्पलीफायर की तरह इसी पार्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। कोई घबराने की बात तो नहीं, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है भाई सर, पक्का चले आगे बढ़े। इसको एक बार हल्का एक दो बार देखोगे तो दिमाग में रह जाता है, ठीक, आगे बढ़े। चलिए भाई ये बात मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर आपने क्या रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग रखी है, यहां पर कैसी रखी है, रिवर्स बायसिंग, और आप चेक कर सकते हो, ये पी से आपने पॉजिटिव जोड़ा, ये एन से आपने यहां पर नेगेटिव जोड़ा, है ना, और फिर इसको आपने पी को किससे जोड़ा, नेगेटिव से जोड़ा, और इसको इसको अर्थ कर दो तो समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। इसको अर्थ, एक को जीरो पोटेंशियल मान लो कोई, तो अभी अगर ये जीरो है तो ये कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव, और ये अगर जीरो है तो ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस दिख गया होगा आपको, क्लियर है ना। अभी ऐसे कंफ्यूजन, अरे कहाँ कैसे कर दिए भाई सर, इसको अर्थ करने से फौरन सब कुछ दिख जाएगा। अभी आपको पता है कि अभी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये यहाँ से होल्स बहुत ज्यादा मात्रा में चलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड ना हो पाएंगे वो, मोस्ट ऑफ दी होल्स विल मूव इन दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो करंट, ये जो आपकी करंट आई यहाँ से, वो कौन सी करंट है, आई, कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप कहोगे आई बी करंट इधर आ गई, बाकी सारी की सारी करंट 95% कहाँ चली गई, आई सी। इसको ऐसे देखना आपको कि ये है मामला, ठीक है। अब यहां से अगर आई ई भेजी है
तो यहां से आएगी आईबी और यहां से आएगी आईसी। ये कहलाएगा आपका आउटपुट, ये आपका कहलाएगा इनपुट करंट। समझ गए बात को? एक आउट इनपुट की तरह यूज कर लो, एक आउटपुट की तरह यूज कर लो, ठीक है? मुश्किल बात नहीं। और आईई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां पर आप एक बात दे सुनना, अभी यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग थी इस जंक्शन पर, फॉरवर्ड बायसिंग है ना, यहां से तो झमाझम करंट जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट जाएगी। अरे भाई ये पॉजिटिव पर रखा, ये जीरो पर रखा, तो करंट यहां पर जम आराम से चलेगी। अच्छा अब लेकिन यहां पर क्या क्या आपने का मान लो, यहां पर आपने अगर मान लो 100 मिली एम्पियर करंट भेजी और आप कहते हो कि 5 मिली एम्पियर करंट इधर आई, तो बाकी के इधर पर आ गई 95 मिली एम्पियर करंट। ये कैसे आ गई? ये तो रिवर्स बायसिंग में था सर। सर ये ना कि वहां से तो आए भी तो वेरी थिन है, उसको पता नहीं वो कब इसमें पहुंच गया। हां यहां पर एक्चुअली होना कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन होना थे कायदे से, लेकिन और रिवर्स बायसिंग में करंट किससे बहेगी? होल्स की वजह से। भाई यहां पर करंट कैरियर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन थे और रिवर्स बायसिंग है तो माइनॉरिटी से करंट बहेगी। आपने यहां पर जमा झम माइनॉरिटी भेज डाले उधर से, वो माइनॉरिटी जैसे ही इधर आए उन्होंने कहा चलो 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 निकलो 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 माइनॉरिटी, चलो माइनॉरिटी यहां कहां से आ गए, चलो 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 मैं तो करंट चलेगी 95%। नहीं समझे बात को? क्लियर रहेगी बात? चलो ये लाइन भूलने का नहीं, भूलने का नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ाएं भाई। ठीक है अब देखो ये अभी इसमें क्या है, तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग। एक तो आपको दिख रहा होगा जैसे ये यहां पर कॉमन बेस ले लिया हमने, तो कॉमन बेस, ये बेस कॉमन है, इधर से बायसिंग करोगे इधर से बायसिंग करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है कॉमन बेस। एक में आपने कॉमन एमिटर ले लिया, ये आपने ऐसे ले लिया, ये कलेक्टर ले लिया, इधर आपने कुछ बायसिंग करी इधर बायसिंग करी, इसमें इमीटर क्या हो जाएगा? कॉमन। इसमें कौन कॉमन हो गया? तो तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। एक होता है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? ये बेस नीचे दिखा रखा है तो हाँ, ये हमारा जो हम लोग बना रहे डायग्राम वो ये इस तरह से, जो इधर हमने दिखा रखा ये इधर, इसको इधर जोड़ेंगे इनपुट, इधर आउटपुट जोड़ दोगे, तीनों डायग्राम एक जैसे ही हैं वैसे, है ना? इनपुट हमेशा अमीटर से होगा, अमीटर से इनपुट कैसे हो सकता है? अमीटर से। अच्छा आप ध्यान से देखना, यहां पर ये कौन सा है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा है? कॉमन इमीटर है। ये कौन सा है? कॉमन कलेक्टर है। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अच्छा अब नोटिस करना, देखो अब ये सिंबॉलिक डायग्राम मान लो आपके सामने आ गए चार पांच उल्टे पुल्टे बने हुए, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट में जाएगा कौन सा आउटपुट में जाएगा, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया उसने कहा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, आपने कहा ठीक है कॉमन बेस बनाना है, आपने ऐसे लाइन खींची ऐसे लाइन खींची, आपने कहा ये बेस बन गया। अब आपने कहा भाई साहब ये कह रहे हो इधर निकाल दो, ये कैसे निकाल दो, अब किधर इमीटर लेना है और किधर कलेक्टर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो कलेक्टर का एक बात याद रखना, कलेक्टर की बड़ी खास बात है, कलेक्टर कभी भी इनपुट में नहीं आएगा। मैंने ये लाइन बहुत विचार करने के बाद लिखी है ताकि आप दिमाग में रख पाओ, कलेक्टर कभी भी। तो अगर आपने कहा भैया बेस तो यहां चला गया, अब हमने कहा यार इमीटर इसको बना लो, कलेक्टर इसको बना लो, यहां आउटपुट दे देंगे यहां इनपुट दे देंगे, कलेक्टर कहां नहीं आएगा? कलेक्टर साहब बड़े आदमी है, इनपुट में ना आएंगे, समझ गए? कलेक्टर कहां नहीं आएगा, बस बात हो गई खत्म, ठीक है? कलेक्टर कभी भी इनपुट में नहीं आएगा। तो जब आपने कॉमन इमीटर बनाया तो आपने कलेक्टर को आउटपुट में दिखाया, बाकी जो बचा वो इनपुट में अपने आप गया। जब आपने कॉमन कलेक्टर दिखाया फिर फंस गए आप, बेस कभी आउटपुट में नहीं आएगा। दो बातें मैंने ढूंढ के निकाली है, ये यहां लिख रखी है, बेस कभी कहां नहीं आएगा? आउटपुट में ना आएगा। ये बात क्लियर हो गई? इसको दिमाग में रख लो एक बार, ठीक है भाई? तो अभी एक जैसे एक एग्जांपल, ये अभी क्या बात आ गई, कलेक्टर कभी कहां नहीं आएगा?
इनपुट 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 कलेक्टर को इनपुट में नहीं रखना है और बेस तो आउटपुट में आएगा ही है ना। ठीक है चलिए अब एक आध थोड़ा सा बना के दिखाइएगा बताइएगा ये जो है जैसे मैंने कहा कि ये है मान लीजिए कॉमन बेस। ठीक है तो अभी मैंने यहां पर ऐसे करके बनाया यहां से मैं दूंगा इनपुट और यहां से मैं दूंगा आउटपुट। बताओ एमिटर किधर और कलेक्टर किधर। यहाँ पर कौन है कलेक्टर। ये भूलना नहीं है नहीं तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और एरो एरो लगा लेना ये एमिटर बन जाएगा। अच्छा बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है तो आप कहोगे ये पी एन ये एन एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। कोई मुश्किल बात है। अच्छा अभी मैंने कहा ये मैं फिर से एक बना के दे रहा हूँ इस बार बताना भाइयों। ये मैंने दिया आपको एमिटर है ना। तो अब बताओ कलेक्टर किधर है। कलेक्टर इधर आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा बेस। यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा कोई घबराने की बात तो नहीं। अब एक बच्चा कौन सा वाला कौन सा बच्चा कॉमन कलेक्टर। तो मैंने कहा कॉमन कलेक्टर ये आ गया। यस सर इमीडिएट इधर लगा दो बेस इधर लगा दो। पक्का बेस आउटपुट में ना आएगा। नहीं आएगा बेस कहेगा भाई साहब मैं तो बेस हूँ। बेस हाँ। नेवर बी आउटपुट। तो ये आ गया आपके पास एमिटर और ये आ गया आपके पास बेस। कोई दिक्कत की बात तो नहीं बोलिए। ठीक है क्लियर रहेगी मामला। यस सर इनपुट ये इधर इनपुट इधर आउटपुट इन दोनों के बीच में आउटपुट लोगे इन दोनों के बीच में इनपुट लोगे। जैसे जैसे मान लो अर्थ कर दिया तो अब यहाँ पर इनपुट जाएगा यहाँ पर आउटपुट आएगा। इसको अर्थ कर दिया तो यहाँ इनपुट जाएगा यहाँ आउटपुट आएगा। इसको अर्थ कर दिया तो यहाँ इनपुट जाएगा यहाँ आउटपुट जाएगा। ठीक है पक्का 100% 100% एक बार और बना के देख लें। इरेज कर दिया बने हुए ना पीछे तो मैं तो प्रैक्टिस करा रहा था ऐसी। ठीक है ये मीटर है। ठीक है ऊपर जो है बेस है। ठीक है ये मैं बनाना चाहता हूं ये कलेक्टर है। ठीक ये मैंने बनाया कॉमन बेस। कौन सा बनाया कॉमन बेस बनाया तो मैंने इसको अर्थ कर दिया। मैंने कहा इनपुट कहाँ है एमीटर इनपुट पे जाएगा समझ गए। yes, ये जाएगा आपका यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर आएगा आपका आउटपुट। ये ध्यान रखना नहीं तो उल्टा पुल्टा घुमा के बनाया तुम कहने लगे बस। ठीक है डायग्राम पहचान लेना नहीं तो वैसे पलट दे है जी। इमीटर 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 एरो जिसमें जिस टर्मिनल पर एरो लगा होगा वो इमीटर होगा। और पहली इमीटर की पहचान है केवल इमीटर में ही रहेगा एरो बाकी किसी में ना रहेगा। फिर एरो की जो दिशा है वो ये डिसाइड करेगी कि पी से करंट जाती है एन की तरफ। yes, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर भी डिसाइड कर दोगे। एरो जिस पर होगा वो कौन होगा और एरो की दिशा क्या बताएगी करंट का दिशा है ना। तो अगर एरो ऐसे बना दिया होता तो ये पी एन पी हो जाता। समझ गया बात को। yes, पक्की बात है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए है ना। अब देखो अल्फा बीटा गामा तीन बातें आई थी। तीन बातें बताएंगे हम आपको। हाँ अभी कोई बात नहीं अल्फा बीटा गामा तीन बातें बताएंगे। कहेंगे आपके पास तीनों बताए थे ना मैंने। ये इधर देखो इधर 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 ये करंट गेन कहलाता है अल्फा करंट गेन। अभी इसमें यहाँ पर ये क्या है ये इनपुट है ये आउटपुट है तो आउटपुट अपॉन इनपुट से करंट गेन मिलेगा। अगर कलेक्टर करंट और अपॉन इमीटर करंट यहाँ पर क्या कहलाएगा करंट गेन। ये कौन सा वो है कॉमन बेस। कॉमन बेस में जो करंट गेन आएगा उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके बराबर आ जाएगा करंट कितना गेन हो गया। जैसे मान लो यहां पर आपने कहा कि भैया हमने यहां पर एक एम्पियर करंट दी और यहां पर मिल गई पांच एम्पियर करंट तो फाइव करंट गेन हो गया फाइव टाइम्स हो गया करंट गेन। हालांकि इसमें करंट गेन हमेशा लेस देन वन आएगा
क्योंकि कलेक्टर करंट आपको पता है एमिटर से कम ही होगी, 0.95 के आसपास, समझ रहे हो बात को अभी। लेकिन ये याद रखना पड़ता है, सिंबॉलिक पूछता है कि अल्फा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा की वैल्यू आईसी अपॉन आई आएगी। ये बात याद कैसे रहेगी, पहले बेस, पहले कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये बीईसी बनता है बैक, ठीक है। तो बेस में आएगा, बेस के लिए अल्फा, इसके लिए करंट गेन बीटा, इसके लिए करंट गेन गामा, ठीक है। अब हमने कहा इसमें जो अल्फा आया वो क्या आया, आईसी अपॉन आईसी अपॉन आई। तो अब तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू बी तो उसमें आएगा ही नहीं, इसमें ई नहीं आएगा, देखो इसमें तुम्हें दिया हुआ है आईसी अपॉन आई बी, और गामा में क्या नहीं आएगा, कलेक्टर नहीं आएगा। अब याद रखना पड़ेगा कि कौन से वाले में कौन सा है, अल्फा बीटा गामा किसके लिए, पहले ये याद रखना पड़ेगा। अल्फा किसके लिए है, बीईसी याद रहेगा, है ना, और करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर बीईसी था यार, बैक तुम्हारी बैक लगेगी, हम समझ गए। ये अल्फा, इसके लिए बीटा, इसके लिए गामा, कॉमन बेस के लिए क्या, कॉमन एमिटर के लिए क्या, कॉमन कलेक्टर के लिए क्या, गामा, मागा सारे। देखना अभी यहां पर ध्यान से दोबारा से, ठीक है, अब बताना यहां पर, है ना। अभी मैंने कहा भाई साहब मेरे पास है कॉमन बेस, है कि नहीं, एक है कॉमन एमिटर, ठीक, और एक और कौन है, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। इसके लिए करंट गेन को क्या कहोगे, करंट गेन इसके लिए कहलाएगा अल्फा, एमिटर के लिए, कलेक्टर के लिए, अब वो कहेगा वैल्यू बताओ। तो हमने कहा रुको, ठहरो ठहरो ठहरो, कॉमन बेस, कॉमन बेस बनाया, यहां पर मुझे पता है एमिटर कहां जाएगा, आउटपुट में जाएगा कि इनपुट में जाएगा, इनपुट याद रखना, नहीं तो कर, हाँ ये इनपुट, इधर ये है आउटपुट, क्योंकि ये इनपुट में जाता ही नहीं, कलेक्टर साहब कहेंगे हम इनपुट में, आउटपुट चाहिए अपने को, तो है ना, और ये इनपुट में आ गया। तो अभी ये कौन है, एमिटर है, तो हमें कहा अल्फा की वैल्यू बताओ, तो इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट, आईसी अपॉन आईई, आईसी अपॉन, ये भूलना नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा कॉमन एमिटर की बात आ गई, तो कॉमन एमिटर का डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा ये बेस बना लिया, ये आ गया कॉमन एमिटर, ये आ गया मेरा कलेक्टर, इसमें एरो नहीं लगाना, ये कलेक्टर, और ये तुम्हारा कौन आ गया, बेस। अब इसमें ये कौन है, ये तो पक्का आउटपुट है, ये पक्का इनपुट है, बीटा की वैल्यू बोलो, आउटपुट अपॉन इनपुट आईसी बाई आई बी, ठीक है। अब बचे कौन, गामा मतलब कॉमन, कलेक्टर साहब कॉमन हो गए, कलेक्टर साहब कॉमन में आ गए, ये कलेक्टर साहब आ गए, इधर चला गया बेस, इधर चला गया एमिटर, ये आउटपुट आ गया, गामा की वैल्यू, ओ अल्फा बीटा गामा डिफाइन कर लियोगे, और आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी ऑलवेज रहेगा। चलो बात आगे बढ़ाएंगे। अब देखिएगा मेरे पास अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पे सवाल आता है, अल्फा की वैल्यू दे देगा कहेगा बीटा बता दो, या बीटा की वैल्यू देगा बोलेगा गामा बता दो, ये गामा की वैल्यू दे देगा बोलेगा अल्फा बता दो, समझ गए। तो अभी हमने कहा देखो अल्फा की वैल्यू पता है आपको, बीटा की वैल्यू पता है आपको, ओ दोनों में कॉमन कौन, आई सी। मैंने कहा देखो मेरे पास एक रिलेशन है आई ई इज इक्वल टू आई बी, मेरे को ये रिलेशन याद भी याद ना है, है ना, लेकिन मेरे को पता है मैं निकाल लूंगा घटते जरूरत पड़ेगी तो, और 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे नहीं। अब मैंने कहा इसमें देखो अल्फा बीटा में रिलेशन चाहिए, बोलो चाहिए, मैंने कहा पूरी इक्वेशन में आईसी से डिवाइड कर दो, कर दिया डिवाइड, ये कौन है भैया, वन अपॉन अल्फा, अरे यार ये आई बी अपॉन आई सी कौन है भैया, वन अपॉन बीटा प्लस वन, आ गया रिलेशन। और बताओ किसमें चाहिए, गामा अल्फा में, क्या कॉमन है गामा अल्फा में, आई ई कॉमन है, मैंने कहा आ जाओ आई ई इज इक्वल टू आ गया आई बी प्लस आई सी, अल्फा की वैल्यू बताओ,
और गामा की वैल्यू बताओ, आई अपॉन गामा किसके लिए होता है, कॉमन कलेक्टर, भूलना नहीं है भाई साहब, हाँ नहीं तो जरा सा मिस हुआ तो पट्ट से निपटोगे एकदम खटाक से। क्या कॉमन है इसमें, आपने कहा ये कॉमन है आई, आई से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड, मैंने कहा आज भैया ये तो बन गया वन, ये बन गया आई बी अपॉन आई ई, ये बन गया आई सी अपॉन आई ई, ठीक है, ये आई सी अपॉन आई ई कौन है, ये तो हो गया अल्फा, और ये कौन है वन अपॉन गामा इज इक्वल टू, जिसमें चाहिए रिलेशन उसमें निकालो। और बताओ किसमें चाहिए, हाँ डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो उसको रट्टा मार लो, रट्टा मार के लोगे फिर अल्फा बीटा गामा ही में कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे कैसे याद रख लोगे यार, वो तो याद रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ हाँ गेन चाहिए तो आउटपुट कितना है इनपुट से डिवाइड करते हैं, नहीं तरीके से याद करोगे तो याद रह जाएगा जैसे मैंने बताया। अब ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है फिर बाद में फालतू, ये तो कौन याद करेगा, ये समझ गए, तो एक बात याद रखना क्या, बी सी अल्फा बीटा गामा, कलेक्टर क्या होगा, नेवर इन इनपुट, बेस नेवर आउटपुट, नेवर आउटपुट, यस सर, दो बातें याद रखनी है, तीन हो गई। इमीटर क्या था भाई साहब, इमीटर क्या है, सबसे बड़ा है वो करंट सप्लायर, वही है हाईएस्ट डोपिंग होती है उसकी, सबसे बड़ा इमीटर नहीं होता, अरे यार करंट चार्ज प्रोवाइडर में साइज से थोड़ी है उसका कोई मतलब, इमीटर ही तो है मेन करंट करियर देने वाला, वो कहेगा मैं ही चला रहा हूँ भाई साहब, तो वो जो है सब जगह एडजस्ट करता है, बाकी सब अपने अपनी आड़ी में रहते हैं, कलेक्टर कहते हैं हम उधर नहीं जाएंगे, बेस कहते हैं हम बेस तो इधर ही रखो, है ना, इनपुट साइड में ही रखो, या बीच में रख लो या इधर रख लो, है ना, कलेक्टर कहेगा मैं इधर रख लो या इधर रख लो, इमीटर कहेगा जिधर मन करे उधर रख लो, क्यों भाई अंकित, ठीक है, चलिए अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, चलिए अब देखिए कॉमन इमीटर का जो ट्रांजिस्टर है उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाएगी। देखिए यहां पर इसको अर्थ कर दिया, ये इमीटर को क्या कर दिया, बेस अर्थ कर दिया, इसको दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, अभी धरती नहीं दिख रही, दिख गई, अब ये इमीटर भी दिख गया होगा, ऊपर कलेक्टर दिख गया होगा, ये बेस दिख गया होगा, अब इसको क्या है थोड़ा इसे खतरनाक बना दे ताकि देख के पहली बार में आदमी डरे, डरने वरने वाले ना है मन, नहीं हम वैसे भी डरे ना, ठीक है, अब देखना ध्यान से, अभी क्या किया, एक बैटरी तो बेस से जोड़ी और एक बैटरी कलेक्टर से जोड़ी, जोड़ेगी नहीं, अच्छा इसमें एरो लगा हुआ है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है कि एनपीएन है, तो अभी आपने कहा ये जंक्शन इधर पी है और इधर एन है, पी को देखो पॉजिटिव से जोड़ा, एन को देखो नेगेटिव से जोड़ा, अरे पी को पॉजिटिव से जोड़ा है ना, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है, तो एनपीएन वो तो हो गई कहानी खत्म, ठीक है, अब यहां देखो एन को आपने पॉजिटिव से जोड़ा तो यहां पर हो गई कौन सी बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, कौन सी वाले जंक्शन में, सी और बी के बीच जो जंक्शन बन रहा है उसमें रिवर्स बायसिंग है, और बी बेस और इमीटर के बीच जो जंक्शन, दो जंक्शन है यहां पर, बेस बीच में है, अरे बीच में बेस है ना, बेस हमेशा बीच में रहेगा ट्रांजिस्टर के, अरे भाई ये है तुम्हारा, ये बेस है, यहां पर तुमने लगाया इमीटर, इसको तुमने कर दिया अर्थ, कॉमन इमीटर है लेकिन बीच में तो बेस ही रहेगा ट्रांजिस्टर के, हद हो गई यार, हाँ अब गोला दिख गया, ये कलेक्टर हो गया, ये तुम्हारा कौन हो गया, ये बेस हो गया, यहां तक क्लियर रहेगी बात, अभी तुमने कहा ये अर्थ था, इसको पॉजिटिव पे रखा, इसको भी पॉजिटिव पे रखा, तुमने कहा भाई साहब ये था तुम्हारे पास पी, तो अब पी को तुमने पॉजिटिव से जोड़ा तो तुम कहोगे फॉरवर्ड बायसिंग, अब ये तुम्हारा टर्मिनल एन था, एन को पॉजिटिव से जोड़ा
तो इस इन दोनों के बीच ये बेस दिख रहा ना, बेस के बीच में और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बायसिंग है, यहां पर रिवर्स बायसिंग है, ठीक है, बेस और इसके बीच में फॉरवर्ड बायसिंग है, इन दोनों के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग है। ये पी है, पी को पॉजिटिव से जोड़ा, और ये जो तुम्हारा कलेक्टर ये नेगेटिव, ये तो जीरो कर दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये एन को तुमने पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ा, तो उल्टा जोड़ा है, तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। क्लियर रहेगी बात यहां तक? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अब देखो क्या किया, एक बैटरी लगाई यहां पर जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है आपने, ये रेजिस्टेंस आप इसलिए लगा दियो, आप इस पूरे पार्ट का वोल्टेज बदल सकते हो, लेकिन ये यहां पर आपका ये वोल्टेज आपको जितना चाहोगे उतना ले लोगे। जैसे अगर इसको वेरिएबल किया, तो अगर वेरिएबल के तो वी माइनस आई आर से इधर वोल्टेज बदल सकते हो आप। वेरिएबल वोल्टेज बदलने के लिए अलग अलग वोल्टेज पर कैरेक्टरिस्टिक देखोगे ना, तो जब तक बदलाव नहीं करोगे कैसे देखोगे, ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा आप देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, यहाँ पर थोड़ा आराम से देखना, नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से पूरे, कभी आएगा भी नहीं, बहुत अजीब सा टॉपिक है ये। देखो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ पर क्या कर रखा है, रिवर्स बायसिंग। अब इसमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हैं अपन, दो तरह से कैरेक्टरिस्टिक इसके स्टडी करते हैं। एक होता है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शायद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दिख रहा है क्या? ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा अभी पहले इनपुट की बात करेंगे, तो इनपुट में अगर आप देखोगे तो ये जो आपने देखा, ये कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या करते हैं, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखेंगे। आउट अगर आपको इनपुट कैरेक्टर को चेक करना है तो फिर आउटपुट में कोई वेरिएशन ना दो, आउटपुट वोल्टेज को क्या कर दोगे, आउटपुट वोल्टेज को हमने कर दिया कांस्टेंट। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीजों के बीच में ग्राफ बनेगा। अब देखो ये एक तो आ गया तुम्हारे पास, ये कौन था, एमिटर, बेस और एमिटर के बीच का वोल्टेज, और ये बेस करंट, दिख रही है? ना दिख रही, पक्की बात है? तो ये बेस करंट और इस वोल्टेज के बीच का ग्राफ बनाएंगे ये, और ये वोल्टेज क्या करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे। कौन सा वोल्टेज है, ये आउटपुट वाला ही तो है, दिख गया ना? ये किसका किसके बीच में, सी और ई के बीच का वोल्टेज कांस्टेंट रखा, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर ली हमने, भाई साहब इसकी वैल्यू उतनी रहेगी। और फिर हमने क्या किया कि अब इसमें करंट फ्लो करा, इसमें वोल्टेज को बदलोगे, यहां पर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बदलती जाएगी। तो ग्राफ देखेंगे, ये प्योर फॉरवर्ड बायसिंग का जैसे ग्राफ होता है ना, एज इट इज ग्राफ चलेगा। अभी आप देख रहे हो ये ऐसे घुटना बनेगा और ऐसे उठ जाएगा ऊपर, ये घुटना दिख रहा है आपको यहाँ पर 0.7 के आसपास। तो ये ग्राफ तो बहुत आसान है, आपने कहा तो फॉरवर्ड बायसिंग का टाइप का ग्राफ है, ऐसे तो बनता था फॉरवर्ड बायसिंग में। अच्छा अब ये तो हो गई किसकी बात, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हमने कहा बात किसकी करेंगे, आउटपुट की। आउटपुट की ग्राफ दिखा देखा तो रहे नहीं है, है ना? थोड़ा सा इनको एक बार दिखा देते, एक ग्राफ तो एटलीस्ट दिखाएंगे। देखिए ये किसके बीच में ग्राफ है, आईसी के बीच में। ये कौन सी करंट है, आउटपुट करंट, और ये वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज वीसीई। सेम वही ग्राफ भाई, इसमें इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इसमें इनपुट करंट, सॉरी आउटपुट है तो आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, इसमें दिक्कत नहीं। इसमें क्या कांस्टेंट रखा था, वीसीई को कांस्टेंट रखा था। इसमें क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसमें क्या होता है, बेस करंट को कांस्टेंट रखेंगे, इसमें करंट को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? किसको कांस्टेंट रखेंगे, बेस करंट को कांस्टेंट। अभी उसने कहा बेस करंट को कांस्टेंट अगर रखा तो आपके पास जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है? आईबी की वैल्यू ध्यान से देखते रहे ना, अभी आईबी की वैल्यू आपने देखी 10 माइक्रो एम्पियर, कितनी देखी, 10 माइक्रो एम्पियर। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो यहां पर आपको करेस्पॉन्डिंगली जो आपको करंट मिल रही है आउटपुट में, वो कितनी मिल रही, 2 मिली एम्पियर। इनपुट करंट कितनी थी, 10 माइक्रो एम्पियर, और फाइनली इस पर माइक्रो एम्पियर है, और ये इनपुट करंट थी, और आउटपुट करंट कितनी थी, 2 मिली एम्पियर थी। आपने इसको 10 से कितना कर दिया, 20 कर दिया। आपने देखा कि आउटपुट करंट कितनी आ गई, 5 के आसपास आ गई कुछ, पक्का? तो इनपुट करंट में जैसे ही आपने थोड़ा सा बदलाव किया, 10 से 20 किया, यहां पर वेरिएशन देखने के लिए किया ये, इसको आपने 10 से कितना किया, 20, मतलब आपने करंट में केवल 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज किया, इनपुट में 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज किया,
आउटपुट में आपको 30 मिली एम्पियर लगभग 30 मिली एम्पियर क्या, 4.5 - 2 5 - 2 30 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर के बराबर चेंज मिला आउटपुट में। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। नहीं समझ में आई बात? अरे यार इनपुट में आपकी 10 थी, आपने इसको कितना कर दिया 20, तो इनपुट करंट कितनी बढ़ गई, तो 10 माइक्रो एम्पियर करंट बढ़ाई आपने। तो आपने इनपुट में जरा सा माइक्रो एम्पियर में चेंज किया, वहां आपको मिली एम्पियर में चेंज मिला खटाक। नहीं समझे बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में आप जरा सा चेंज करोगे, आउटपुट में आपको झमाझम चेंज मिलेगा। मैं यहां धीरे से बोलूंगा, वहां स्पीकर अगर 15-20 लगा दिए जाए, बॉस के ये वाला नहीं जो चल रहा है, बॉस के स्पीकर बड़े वाले, मैं थोड़ा सा बोलूंगा। हाँ समझ गए ना बात? तो ठीक है चलिए। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा याद रखना कि इसमें करेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा बनता है। इसमें करेक्टरिस्टिक, ये तो बिल्कुल फॉरवर्ड बायसिंग वाला ग्राफ है। इसमें इसमें किसको कांस्टेंट रखते हैं सर? वीसी वोल्टेज, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट वोल्टेज को। इसमें सर इनपुट करंट, बस। और आउटपुट के चीजों का ग्राफ बनाओगे तो आउटपुट का करेक्टरिस्टिक ग्राफ हो जाएगा, इनपुट की चीजों का ग्राफ बनाओगे तो इनपुट का करेक्टरिस्टिक ग्राफ हो जाएगा। काम वाम कुछ नहीं आया, ये बनाए का थे ग्राफ आएंगे। ये ग्राफ जो आप बनाए ना, स्टडी के लिए बनाए, समझने के लिए। अच्छा हाँ हाँ, इसका इसका भी मतलब हर चीज का फायदा होना जरूरी है जिंदगी में भाई। कहने लगे ये फोटो बनाए थे, इसका फायदा बताओ, ये नीचे फिगर लिखा है, इसका फायदा बताओ। अरे भाई हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक तो आपसे ग्राफिक पूछ सकता है, और अल्फा बीटा गामा पे सवाल पूछ सकता है, करंट गेन ये सब है ना। तो क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, क्वेश्चन का कोई इशू नहीं है, कर लोगे क्वेश्चन। लेकिन जितनी चीजें बताई उतनी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, पढ़ना दिमाग में रखने वाला है, फैक्ट बेस्ड है ये पूरा ग्राफ। तो इसका तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, जैसे उसने चार ग्राफ दे दिया, उसने कहा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनेगा इसका, है ना। उल्टे पुल्टे एक आधा ऐसे बना दिया, एक सीधा बना दिया, एक ऐसा बना दिया। तो अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा तो आप करेक्ट ग्राफ को पहचान लोगे। ग्राफ तो कैसे भी बना के दे सकते ना, बोलेगा कौन सा वाला आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, किसके किसके बीच में है, क्या कॉन्स्टेंट रखा गया है ना। कुछ भी पूछ सकता है बस। तो चलो चलो आगे बढ़े। देखो अब देखो, इसमें हम बात कर रहे हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? अब इनपुट रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? ये आपको बताया गया था कि पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो ओमिक नहीं होता, अनओमिक होता है, है ना। अब इसमें रेजिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। लेकिन यहां पर V इज इक्वल टू आई आर से फॉर्मूला नहीं निकलेगा, यहां पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई से रेजिस्टेंस मिलेगा। किससे मिलेगा? अब अगर इनपुट का रेजिस्टेंस है तो ये दोनों चीजें किसकी यूज करोगे आप? इनपुट वाली। इसमें आपको क्या रखना है? कॉन्स्टेंट रखोगे तो आपने कहा डेल्टा बी बी अपॉन डेल्टा आई बी, ये आपका इनपुट का रेजिस्टेंस दे देगा। पक्का क्लियर है? अभी उसने कहा अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात आएगी तो क्या कांस्टेंट रखोगे? ये ध्यान रखना, नहीं तो इसी में निपटने का खतरा है सबसे ज्यादा, कि आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, इनपुट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है ना। और इसमें फॉर्मूला वही रहेगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई, लेकिन आउटपुट वाले टर्म चलेंगे। आउटपुट वाले टर्म देखो, आउटपुट वाला टर्म कौन सा है? बीसीई और करंट कहलाएगी आईसी। यहां करंट दिखाई मैंने, तो यहां से आईसी ऐसे आ जाएगी, ये आईसी और ये आईबी अंदर आएंगी, आईई बाहर जाएगी। ये ध्यान रखना एरो का, एरो ही में निपट जाएगा नहीं तो आदि लोग। ठीक है, तो इनपुट, अभी अगर ये वाला सवाल आ गया तो इनपुट का रेजिस्टेंस कैसे बताओगे? यहां डायग्राम बना रहा हूं, दोबारा से देखना, इस बार बताना। अभी मैं बता रहा हूं, इसका नाम है बी, इसका नाम है ई, इसका नाम है सी। चलो आर इनपुट बताओ सर, आर इनपुट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई से आएगा। तो डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, अब मैंने कहा आउटपुट रेजिस्टेंस बताओ, डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी। नहीं याद आ रहा? इनपुट में, इनपुट की बात करेंगे, इनपुट में आप पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस,
तो इनपुट का रेजिस्टेंस जब लिखोगे तो डेल्टा वी बी ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी, कोई दिक्कत की बात है? आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? डेल्टा वी सी ई डिवाइडेड बाय सी, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? आई बी कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? बी सी ई कांस्टेंट रहेगा, शाबाश, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। इसको आपको एक दो बार पढ़ना है, एक दो बार देखना है, उसके बाद आपको सब याद हो जाता है। हाँ, पेपर से पहले तो मस्ट है देखना, नहीं तो गया काम से, ठीक है? एक दो बार, लेकिन इसमें बस एक फायदा है, लेकिन कि जैसे अगर इस पर सवाल आया और आपने अगर केवल चार दिन दिए होंगे, चार बार पढ़ा होगा इसको सीरियसली, तो आपसे सवाल होने ही होने हैं, कंपल्सरी 99.99% आप इसके सवाल फोड़ाओगे, ठीक है? यही सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट है इसका, अदरवाइज बाकी पार्ट इसका बहुत आसान है, सीधा सीधा सवाल आएगा। और मैं कह रहा हूं तीन बार चार बार जिसने इसको सीरियसली पढ़ लिया, तीन या चार सेटिंग दे दी, जिसने चार सेटिंग देने के बाद वो इस ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके इसका मार्क्स लेके जाएगा 100%, चार सेटिंग में मैक्सिमम चार सेटिंग में कर देगा वो सारी चीजें। और मैकेनिक्स में आप चार के 40-50 हजार सेटिंग देते हो तब जाके आपका पता लगा, तब बन पाते हैं सवाल। किसी भी पार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो जो ऐसे साइडलाइन टॉपिक होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं दिख रहा होता, उनको कर लेना चाहिए, तीन चार सेटिंग में आप उसको निपटा देते हो, ठीक है? तीन चार सेटिंग में आपने उसको देखा, उतने में से आ जाता है, पढ़ने को है ही नहीं ज्यादा। 100% की आप प्रोबेबिलिटी है, 100% थोड़ी होता है कि कॉइन उचाला तो बोले आइडिया टेल, तो 100% आएगा कोई ना कोई, अरे आता है लेकिन सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ठीक है? चलो आगे बढ़ाए। अच्छा, आप करंट गेन की बात करोगे तो करंट गेन में आउटपुट अपॉन इनपुट कॉमन एमिटर है कि था अपना कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन एमिटर के करंट गेन को क्या कहोगे? बीटा, ठीक है? हाँ, तो अभी इसमें आउटपुट इनपुट कॉमन एमिटर, ठीक है? द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज नोन एज ट्रांस कंडक्टेंस। ये बाय द वे अगर किसी ने पूछ लिया तो इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, इसको एज इट इज याद रखना। करंट का गेन है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो करंट का गेन हुआ किसको बेटा? इसको तो ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं किसको? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी इनपुट, आउटपुट की करंट, इनपुट का वोल्टेज, इनपुट का वोल्टेज। इसको ऐसे समझो कि आपने यहां पर कुछ वोल्टेज लगाया इनपुट में, है ना, इसमें कुछ बदलाव किया और यहां पर आप कुछ आउटपुट ले रहे हो, तो इसमें कुछ करंट जाएगी, नहीं समझे? इसमें रेजिस्टेंस है कुछ, इसमें कुछ ये कुछ डिवाइस है, इसमें कुछ करंट जाएगी आईसी, तो डेल्टा वी इनपुट डेल्टा आईसी, तो ये पूरा सर्किट एज ए पूरा सिस्टम एज ए होल खेल रहा है, पूरे उसका होल खेल रहा है। तो डेल्टा वी इनपुट को आप लिखोगे आर दैट की कोई चीज इनटू डेल्टा आईसी, आर एज ए होल सर्किट ले रहे हो, और वन अपॉन आर को कंडक्टेंस कहोगे, वन अपॉन आर को कंडक्टेंस कहोगे, तो ये क्या बन गया? समझ गया बात को? इसको याद रखने का तरीका बताया है मैंने। अगर आपने कहा कि इनपुट में हमने कुछ वोल्टेज लगाया, यहां पर हमारा कोई मान लो पूरा सर्किट का कुछ एक सिस्टम बना लिया, उसको पूरा उसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, तो उसमें जो आपकी करंट आई, रेजिस्टेंस आउटपुट है, रेजिस्टेंस में आई कुछ आई, तो उसको आपने ऐसे लिखा और वन अपॉन आर आपका दे देगा ट्रांस कंडक्टेंस। क्या दे देगा? ट्रांस कंडक्टेंस। जीएम डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट बताना पड़ेगा, कोई दिमाग लगा पाए ना लगा पाए, जो सही लिखेगा उसको नंबर मिलेंगे, समझ गए? इसलिए इसमें कुछ करने लायक है नहीं, ठीक है? वोल्टेज गेन की बात करोगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को क्या लिखोगे? डेल्टा आई सी इंटू आर सी, और इनपुट वोल्टेज में जो भी आपने लिखा इसको वो लिख रहा है जीएम इंटू आर सी के टर्म में भी दे रहा है, देखो जीएम दिख गया आपको, ये डेल्टा आई सी अपॉन आर एन बी एस, तो ये फॉर्मूले एक जगह लिख के एक रीडिंग मारनी जरूरी है, ठीक है? हाँ रख लेना, ठीक है? आगे बढ़ा, देखिए अभी यहां पर मैंने आपको आउटपुट और इनपुट के बीच में एक ग्राफ दिखा रखा है, हाँ
तो अभी आपका ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, दिख रहा है आपको? ये आपका कौन सा जोन है, ये वाला, ये कट ऑफ कहलाएगा। ये वाला कौन सा जोन है जहां पर इनपुट आउटपुट के साथ लगभग लीनियरली वेरी कर रहा है, ये कौन सा रीजन है, ये एक्टिव रीजन कहलाएगा। और जहां पर इनपुट को कितना भी बढ़ा दो आउटपुट जीरो का जीरो ही रह जा रहा है, इसको कहते हैं हम सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, कट ऑफ का मतलब है जब आपने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। थोड़ी सी बातें याद रखना, थोड़ी सी मैं याद दिला रहा हूं, थोड़ी आप याद रखेंगे, है ना। ये इमीटर था, ठीक है, तो ये आपका था बेस, ये आपका था इमीटर, और ये था आपका कलेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अभी आप इसे कट ऑफ कब करते थे आप? कट ऑफ का मतलब दोनों रिवर्स बायसिंग, कट ऑफ का मतलब दोनों रिवर्स बायसिंग में किया। एक्टिव का मतलब फॉरवर्ड रिवर्स, एक्टिव का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, सैचुरेशन का मतलब दोनों फॉरवर्ड, दोनों बायसिंग अगर फॉरवर्ड किया। हाँ, तो कट ऑफ का मतलब स्विच ओपन, कट ऑफ कर दिया आपने सर्किट, तोड़ दिया, तो इसको कहते हैं स्विच ओपन, स्विच क्लोज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? स्विच क्लोज्ड। और ये आपका एम्पलीफायर वाला पार्ट। ठीक है, डन, चलें आगे। चलो, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कोई बात, थोड़ा और देख लो। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द वेव शेप एंड विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। मैं जो बोल रहा हूं वही आपको एम्पलीफाई होकर सुनाई दे, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको सुनाई दे, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। जिस तरह का मैं पिच, जिस तरह का वेव फॉर्म मैं बना रहा हूं वही आपको सुनाई दे। अगर मैं बोलूं सुरीला और आपको सुनाई दे बेसुरा, तो इसका मतलब है कि जो एम्पलीफायर है वो घटिया क्वालिटी का है। yes, है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर वो वेव फॉर्म को चेंज कर रहा है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड को चेंज कर रहा है, पिच को बदलाव कर रहा है, बस उसको करना क्या है, एम्पलीफाई करना है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। एज इट इज जो भी मैंने बोला है उसको इंटेंसिफाई करके आपको सुनाना है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन विदाउट डिस्टॉर्टिंग द सिग्नल। सिग्नल मतलब जो भी सिग्नल मैंने यहां पर माइक्रोफोन को दिया उसको एम्पलीफाई करके आपको सुनाए, है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया प्रोसेस, एम्पलीफिकेशन इज अ प्रोसेस, है ना। अब उसने कहा कि लेकिन जो डिवाइस है उसे एम्पलीफायर कहेंगे, जो ऐसा करती है एम्पलीट्यूड को बढ़ाती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीफायर। सीधी सीधी सी बात है, एम्पलीफिकेशन इज अ प्रोसेस, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस। ठीक, चलेंगे। ये आपको एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखा रखा है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, आपको इसमें पीएनपी तो दिख गया होगा जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी है? एनपीएन दिख गया आपको, 100% एरो से पहचान लिया होगा आपने। ये बेस दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है किसी को? तुमको दिख गया ये बेस? दिख गया बेस, और ये इमीटर भी दिख गया होगा, और ये कलेक्टर भी दिख गया होगा। यहां से जो करंट चलाई गई, यहां से जो करंट गई, यहां से जो करंट आई, आईसी। ठीक है, अच्छा नोटिस ये करना है, आईई की दिशा तो दिखी जाएगी। अब आईई बाहर आ रहा था, दोनों अंदर आके जुड़ के इसके बराबर आएंगे। अरे बात कभी नहीं भूलना है भाइयों कि आईई की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, आई बी प्लस आई सी के बराबर होती है। ठीक है, अभी यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसका नाम आपने रख रखा है आर बी, क्योंकि वो बेस से जुड़ा हुआ है, इसका नाम रख दिया आर बी। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसका नाम देख रखा है आपने आर सी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी यहां पर आपने क्या किया, एक इनपुट सिग्नल दिया इसमें, अब ये इनपुट सिग्नल का आपको वो दिखाई दे रहा है क्या, वेव फॉर्म। यहां देखो जरा आउटपुट सिग्नल कैसा दिख रहा है, अब उल्टा नहीं दिख रहा, और उल्टा नहीं दिख रहा, और अरे यार ये ऊपर से नीचे ऐसे तो पलट गया ना, इसमें क्या मतलब हुआ, फेज का चेंज आ जाएगा। किसका चेंज आ जाएगा, पाई का फेज चेंज आता है, कोई घबराने की बात तो नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये इनपुट सिग्नल दिया, ये रेजिस्टेंस है आरबी, ये वोल्टेज कहलाएगा वीबीई,
ठीक है, तो इनपुट जो आएगा वो देखना ध्यान से सुनना, आई बी आर बी इसमें वोल्टेज इसमें गया कुछ और कुछ बीबीई के बराबर आया, ये देख रहा, अरे यार ये इनपुट था ना, तो इनपुट दो जगह में गया आई बी आर बी प्लस बीबी। आउटपुट को देखोगे जरा ध्यान से, ये आउटपुट है, देखा आउटपुट को अगर आप देखोगे तो ये बीसीसी देख रहा है, ये बीसीसी माइनस आईसीआरसी, माइनस आईसीआरसी, अरे आउटपुट देखो ना पहले कहां लिया गया, ये भी तो देखो, नहीं समझ रहे बात, अरे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, क्लियर, पक्की बात। तो अभी मैंने कहा देखो दो लाइनें आई, इनपुट से ये वाली लाइन आई, आउटपुट से ये वाली लाइन आई, अब लेकिन आपने साइनसोइडल सिग्नल दिया था भाई साहब, तो मैंने कहा इसमें तो चेंज आएगा डेल्टा वी आई, अरे आएगा यार, इज इक्वल टू ये आएगा डेल्टा आई बी इंटू आर बी प्लस डेल्टा वी बी, बेस और एमिटर के बीच का चेंज, बेस है चेंज वोल्टेज चेंज, बेस और एमिटर का वोल्टेज चेंज मैंने जीरो रख दिया, ऐसे कैसे रख दिया भाई साहब, अरे यार पीएन जंक्शन है ना, वहां पर पीएन जंक्शन के बीच में आपने अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो लगभग लगभग 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट जर्मेनियम सिलिकॉन, भूल गए, याद आ रहा है, तो हमने कहा वो उसमें बदलाव थोड़ी होएगा, अरे समझ के बात, तो हमने कहा ये हमारे पास जो डेल्टा बी आई आ गया वो किसके बराबर आ गया, आर बी कौन था दिया गया उसको, वो लगाया था आपने बेस के साथ एक रेजिस्टेंस, इधर इनपुट दिया था, इधर एक बैटरी लगाई थी, रेजिस्टेंस लगाया था, इधर आउटपुट लिया था, ठीक है। अब हमने कहा डेल्टा वीओ करेंगे, तो डेल्टा वीओ की वैल्यू क्या आएगी, ये बीसीसी कौन है, ये बैटरी लगाई थी आपने बीसीसी की, माइनस है ये तो बैटरी है, बैटरी बदल लो, बदलने तो नहीं बदलने तो नहीं बदले, अब ये आपने क्या किया डेल्टा आई सी इंटू आर सी, अभी आपने कहा अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी है और सिग्नल में आउटपुट देख रहे हो आप, तो हमने कहा ये वाला टर्म भी उड़ जाएगा, चेंज की बात करोगे तो ये वाला चेंज भी उड़ गया, तो डेल्टा बीओ किसके बराबर आ गया, क्लियर रहेगा, अभी इसमें माइनस दिख रहा है आपको, अभी मैंने कहा मुझे भाई साहब वो गेन बताओ, गेन कोई वोल्टेज गेन बताओ, आउटपुट अपॉन इनपुट भागो, तो मैंने कहा वोल्टेज गेन की बात करो जरा भाइयों, तो आप लिखोगे माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर सी अपॉन आर बी, ये कौन है, बीटा 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 एरियर, माइनस क्या कह रहा है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, पलटी मारा गया, समझ गए पक्का, ठीक है क्लियर रहेगी बात, आगे बढ़ाएं, देखो ये वोल्टेज गेन दिख गया आपको, ये अपन लिख ही चुके हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट, पावर गेन की उसने कहा नहीं पावर गेन बताओ, तो हम कहेंगे करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, करंट गेन को क्या कहते हैं अपन, बीटा, हमारा कॉमन एमिटर है, हाँ बीटा, और ये वोल्टेज गेन आ गया आपके पास, तो दोनों का पावर गेन। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि एम्पलीफायर जो है कोई पावर का गेन देता नहीं है, एम्पलीफायर पावर का कोई गेन नहीं देगा, एम्पलीफायर अगर आप लेकर आए तो वो ऐसा नहीं है कि आपने उसको दिए 10 वॉट उसने निकाल के दिए 15 वॉट उसने जाओ ऐश करो, है ना, ऐसा नहीं होता। अब उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आप एक बैटरी लगा रहे हो, ये जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलती है वो इन बैटरीज की वजह से मिलती है, तो ये बैटरी कंज्यूम हो रही होंगी आपकी, अगर आपको करंट आईसी में मान लो चेंज मिल रहा है, तो जो ये एम्पलीफायर इज नॉट अ पावर जनरेटिंग डिवाइस, इट जस्ट एम्पलीफाइंग द आपका सिग्नल, इट इज जस्ट एम्पलीफाइंग द सिग्नल, ये क्या नहीं है, हाँ। अब ये जो पावर गेन आ रहा है उसकी वजह कौन है, अरे बैटरी लगाया यार हम, यार फ्री में चोरी चल रही मामला, तो बैटरी हमारी एनर्जी दे रही होगी तो हमें पावर गेन हो रहा है, लग रहा है हमें पावर गेन हो रहा है, तो हमारी बैटरी, नहीं समझे बात, ठीक है चलो, ठीक है भाई चलो फिर, ये तो हो गया डन, अभी आपको थोड़ा सा बस बुलियन अलजेब्रा इसमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो अपन पढ़ लेंगे, वो बहुत आसान पार्ट है, इसमें जो सबसे दिमाग में जो स्ट्रेस देने वाला पार्ट था
वो ये बस ट्रांजिस्टर, बाकी सारा आसान है। तो हाँ मतलब जैसे मान लो 3 बार में या 4 बार में 1 बार ट्रांजिस्टर का चांस रहता है, 5 बार में कि 5 में से 1 सवाल अगर इस टॉपिक से आया तो वो ट्रांजिस्टर से आएगा, नहीं समझे बात। और बाकी पर तो फ्री के नंबर हैं, और ट्रांजिस्टर भी इतना मुश्किल नहीं है कि आप 2-3 सेटिंग अगर दोगे तो वो सब भी हो जाएगा। चलिए ठीक।